नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर, मैं एक्स सी बी आई सब इंस्पेक्टर, आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपको अपने पहले अरेस्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले अरेस्ट का एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स दे देता हूँ। देखिए, अरेस्ट जो टर्म है वो आम बोलचाल का टर्म है, सीबीआई मैनुअल में या कानून में अरेस्ट नाम का कोई टर्म नहीं है। जो टर्म कानून में यूज़ होता है, दैट इज़ नॉन बेलेबल वारंट और बेलेबल वारंट, जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट। ठीक है, तो जो नॉन बेलेबल वारंट रहता है, दैट इज़ एक्चुअली एन अरेस्ट वारंट। उसमें आप जमानत नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया है, तो फिर वो व्यक्ति को अरेस्ट करके आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जो अवेलेबल वारंट रहता है, उसमें कुछ बॉन्ड की लिमिट रहती है, 5,000, 10,000, 20,000 या 50,000 रुपये का बॉन्ड देकर आप जमानत ले सकते हैं। उसमें ये कंडीशन रहती है कि आपको जब जब कोर्ट बुलाएगी तब आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो जाती है, कोर्ट में केस चला जाता है, तो जो अक्यूज पर्सन हैं, अगर कोर्ट उनको बेल दे देता है, तो उसमें ये कंडीशन रहती है कि जब जब कोर्ट की डेट लगेगी तो अक्यूज पर्सन को वहाँ पर पेश होना है। अगर मान लीजिए कोई अक्यूज पर्सन किसी तारीख पर नहीं आता या बिना कोई एप्लीकेशन दिए वो गायब रहते हैं, तो ये जज के ऊपर है कि वो उनका अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जब अक्यूज किसी डेट को अपियर नहीं होते विदाउट एनी एप्लीकेशन, तो जज उनके केस में एक अरेस्ट वारंट निकालते हैं, दैट इज़ नॉन बेलेबल वारंट, और फिर वो वारंट आपकी ब्रांच में आ जाता है। कभी कभार जैसे कि मान लीजिए कहीं पर विटनेस की डेट लग रही है, बार बार विटनेस को 3 या 4 बार अलग अलग डेट्स पर समन दिया जा चुका है, पर विटनेस अपियर नहीं हो रहा, तो विटनेस के अगेंस्ट में भी वारंट निकल सकता है। जनरली विटनेस के केस में जो वारंट निकलता है, दैट इज़ बेलेबल वारंट, बट ये जज के मूड के ऊपर है, वो विटनेस के अगेंस्ट भी नॉन बेलेबल वारंट निकाल सकता है। और किसी किसी केस में मैंने ये भी देखा है कि सीबीआई के जो अपने पर्सनल रहते हैं इंस्पेक्टर या डीएसपी, जिनको कि कोर्ट की डेट में जाना पड़ता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, कभी कभार जब वो अपीयर नहीं होते तो उनके अगेंस्ट भी बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट जज निकाल देते हैं। अलग अलग जजेस का अलग अलग मूड रहता है, तो अगर जज को ऐसा लगा तो फिर वो अपने सीबीआई के पर्सन के खिलाफ भी कभी कभार बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट निकाल सकते हैं। हालांकि वो लोग को अरेस्ट नहीं करवाते, और वो फिर वकील की हेल्प से एक उसमें याचिका दायर करके उस वारंट को कैंसिल करवाना पड़ता है वहाँ कोर्ट में, माफ़ी वगैरह मांगकर। तो अपॉइंट की बात करते हैं, जब किसी अक्यूज्ड के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाता है, दैट इज़ नॉन बेलेबल वारंट, आपकी ब्रांच में वो कोर्ट से आ जाएगा, एसपी के पास या डीआईजी के पास। फिर आपकी ब्रांच में एसपी या डीआईजी डिसाइड करेंगे कि वो वारंट को कौन एग्जीक्यूट करेगा। जनरली वो वारंट फीमेल ऑफिसर्स को एग्जीक्यूट करने को नहीं दिया जाता फॉर ओबियस रीजंस, और जो मेल ऑफिसर्स हैं उनमें मोस्ट लाइकली एक सब इंस्पेक्टर इज टास्क्ड टू एग्जीक्यूट दैट अरेस्ट वारंट। तो जब पहली बार मेरे पास अरेस्ट वारंट आया तो मेरे को तो समझ में नहीं आया कि इसमें क्या करना है। तो आई वॉज वेरी यंग एट द टाइम, मैं 22 से 23 साल का था, तो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से पूछा कि सर इसमें क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि ये 7 दिन के अंदर आपको एग्जीक्यूट करना है और इसकी एक रिपोर्ट ब्रांच में सबमिट करनी है। देखिए, अरेस्ट वारंट बहुत इंपॉर्टेंट एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपको कभी अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करने को मिले तो आपको उसमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, 1 या 2 दिन के अंदर आप उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए और फिर आप अपनी ब्रांच में रिपोर्ट दे दीजिए। मान लीजिए आपने 4 या 5 दिन वेट किया और उस दौरान कहीं से खबर आई कि वो व्यक्ति अपने घर आया था और फिर भाग गया, तो वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो इसलिए जैसे ही आपको अरेस्ट वारंट मिलता है एग्जीक्यूट करने के लिए, आप विदिन 1 or 2 डेज उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान बना लीजिए। तो मैंने सीनियर ऑफिसर से पूछा कि सर इसमें क्या करना है, कैसे करना है, मैंने कभी किया नहीं है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले ब्रांच में एक गाड़ी के लिए अप्लाई कर दीजिए, जब भी आपको अरेस्ट वारंट अरेस्ट एग्जीक्यूट करने जाना हो तब के लिए आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि हमको गाड़ी चाहिए। तो मैंने वो रिक्वेस्ट डाल दी और एसपी ने अप्रूव कर दिया। और जनरली अरेस्ट वारंट पर जब आप जाते हैं अरेस्ट पर या फिर कोई रेड पर, तो आपको गाड़ी वगैरह मिल जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने और 1-2 लोगों से पूछा, तो उन्होंने मेरे को 2 कांस्टेबल भी असाइन कर दिए। एक्चुअली हम लोग 2 अरेस्ट पर जा रहे थे, तो उन्होंने 4 कांस्टेबल असाइन किए थे। वो कांस्टेबल्स काफ़ी एक्सपीरियंस रहते हैं, वो 55 या 56 साल के लगभग रहे होंगे और उन्होंने अपने लाइफ में 100-200 कम से कम अरेस्ट किए होंगे। तो मेरे को सीनियर ऑफिसर ने बताया कि आप इनके साथ चले जाइए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ये लोग करेंगे, बस आप वहाँ सुपरवाइजरी ऑफिसर की तरह रहना। आपको वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्री काम है वो सारा आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, वो वारंट मेरे नाम से इशू हुआ है कि मेरे को एग्जीक्यूट करना है, तो पूरी जिम्मेवारी मेरी रहेगी, पूरा दायित्व मेरा रहेगा, जो भी कागज़ पर सिग्नेचर रहेंगे वो मेरे रहेंगे। ठीक है, और जनरली सीबीआई में या फिर बाकी जो लोकल पुलिस रहती है वहाँ पर जो अरेस्ट वारंट होता है, दैट इज़ एग्जीक्यूटेड अर्ली इन द मॉर्निंग। जब आप अक्यूज के घर, जिसको अरेस्ट करना है उसके घर, अगर आप 5 से 5:30 बजे सुबह 6 बजे पहुँच जाते हैं, तो उसके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि वहाँ पर आप अनवांटेड अटेंशन ग्रैब नहीं करते। जनरली 5, 5:30 बजे बहुत सारे लोग सोए रहते हैं, तो आप रात के अंधेरे में ही जाकर अरेस्ट करके आ सकते हैं, तो वहाँ भीड़भाड़ इकट्ठा नहीं होगी। दूसरा, जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हैं उनका भी जो सोसाइटी में एक रेपुटेशन बनी हुई है, एटलीस्ट वो आपके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा वो रेपुटेशन या उनकी बदनामी नहीं होगी। तो आपको जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हैं उनकी रेपुटेशन का भी ध्यान रखना है, वो आपके दुश्मन नहीं है, आपको एक गवर्नमेंट ने काम दिया है, तो बस आपको वो काम करना है
आपको इस तरीके से काम करना है कि सामने वाले को भी कोई परेशानी ना हो और आपका काम बहुत आसानी से हो जाए। तो अब सुबह 5 बजे अगर निकलना है दिल्ली में, तो फिर मेरा घर बहुत दूर था जनरली, जब अरेस्ट पर जाते हैं तो मैं तो ब्रांच में ही सोता था जनरली, काफ़ी लोग जो अरेस्ट पर जाते हैं वो रात को ब्रांच में ही सोते हैं, तो मैं रात को वहीं सोया और सुबह अपन 5 बजे वहाँ से निकल गए। अरेस्ट पर हम निकल गए तो गूगल मैप्स की हेल्प से हम पर्टिकुलर मकान के सामने पहुँच गए जहाँ पर हमको अरेस्ट करना था। तो सबसे पहले तो वहाँ मकान से थोड़ा सा 50 मीटर पहले या करीब 10 या 20 मीटर पहले आप गाड़ी खड़ी कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको इधर उधर कोई ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। उसके बाद फिर आप एक एक करके लोग उतरेंगे और फिर आप वो मकान के सामने जाएंगे और धीरे धीरे करके आप वो मकान के अंदर चले जाइए और फिर उसकी डोर बेल बजाइए। तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ, हमने 3-4 बार डोर बेल बजाई तो फिर वो लोग सो रहे थे, वो जगे, फिर उन्होंने एक साथ हम 5-6 लोगों को देखा तो वो डर गए कि ये लोग कौन है। फिर हम अंदर आए, फिर मैंने अपना परिचय दिया कि मैं CBI सब इंस्पेक्टर हूँ और मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है, तो हम लोग आपको अरेस्ट करने आए हैं। तो डेफिनेटली सामने वाले की आप मानसिक स्थिति समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। तो पहली बार में तो वो हतप्रभ रह गए और बड़े शॉक्ड में थे। इस समय पर जो एक सब इंस्पेक्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करने गया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी सामने वाले को हो जाती है या सामने वाले के परिवार वालों को हो जाती है, मान लीजिए उनको आपकी बात सुनकर अटैक आ जाए या उनका BP हाई या लो होने लगे या वो स्वयं या उनकी पत्नी या बच्चे कोई बेहोश हो जाए, तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत संयम से, बहुत धीरे से काम लेना है। आप अपनी बात को जितना विनम्रता से, जितना जेंटली और जितना पोलाइटली आप अपनी बात को कह सकते हैं कि ये प्रोसीजर है, कानूनी प्रक्रिया, हमको कोर्ट से ऐसा आदेश मिला है, आप उनको पूरा अरेस्ट वारंट दिखाइए, उनको पढ़कर सुनाइए, उनकी फैमिली वालों को पूरा दिखाइए, उनको पूरी तरह नॉर्मल कीजिए। उसके बाद फिर हम वहाँ पर बैठ गए, उनको थोड़ा बहुत मैंने बातचीत करके नॉर्मल किया 15-20 मिनट तक। सामने वाला काफ़ी घबराया हुआ था तो अब क्योंकि वो जस्ट उठे थे तो फिर वो मेरे को बोले कि मैं फ्रेश होके आता हूँ। तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, हालांकि मैं ऑन पेपर मैं उस टीम का लीडर जरूर था बट सारा काम कॉन्स्टेबल्स कर रहे थे बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे जो साथ के कॉन्स्टेबल्स थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप अब कहीं पर भी जाएंगे तो हमारी आंखों के सामने ही आपको जाना पड़ेगा और अगर आप फ्रेश होने भी जा रहे हैं तो हम आपके संग जाएंगे, आपको गेट खुल के ही आप फ्रेश हो सकते हैं। तो ये बड़ी ऑकवर्ड स्थिति हो सकती है आपको, बट दिस इज़ ट्रू CBI में या और भी कहीं जब इस तरीके की प्रक्रिया हो जाती है, आपके सामने जब वो बंदा है जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हैं वो आ जाए तो आप उनको अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए वो बैकडोर से भाग गया या फिर वहाँ पर मान लीजिए जहाँ पर वो बाथरूम में फ्रेश होने गए हैं वहाँ पर कोई कैंची रखी है या कोई चाकू रखा है, कुछ भी उन्होंने अपने आप को डैमेज कर लिया, अपने यहाँ पर मान लीजिए कट मार लिया या अपने हाथ पर कट मार लिया, तो आपकी आपके लिए बहुत डेंजर स्थिति हो जाएगी, आपकी नौकरी तो जाएगी जाएगी, दूसरा आप पर एक पुलिस मुकदमा भी चलेगा। यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी रहती है एक सब इंस्पेक्टर की, तो पूरा वहाँ पर आपको संयम रखना है, पूरा वहाँ पर सावधानी से काम लेना है। तो मेरे साथ के जो कांस्टेबल्स थे वो बहुत एक्सपीरियंस थे तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपके संग जाएंगे और एक कांस्टेबल वहाँ पर उनके सामने खड़े भी रहे और आधा गेट खोलकर। उसके बाद फिर वो आए और फिर उन्होंने कहा कि सर मैं अपने वकील साहब से बात कर लूँ, इनसे बात कर लूँ। तो आपको किसी से भी बात न करनी है, नहीं किसी को बात करने देनी है, आप उनका फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए और साइड में रख दीजिए। ये CBI में स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जब आप CBI में रेड करने जाते हैं या अरेस्ट पर जाते हैं तो ये जनरली प्रोसीजर यही है कि आप उनके फ़ोन सबसे पहले स्विच ऑफ करके साइड में रख दीजिए। उसका लोगों आपके मन में ये इंप्रेशन होगा कि शायद इसलिए कि कोई वो फ़ोन पर किसी से बात कराए, वो मेरे को कहें कि नहीं इनको छोड़ दो। देखिए ये ऐसा कभी नहीं होता कि CBI में आपको कोई फ़ोन करके बोले कि यार इनको छोड़ दो और मैं बात कर लूँगा ब्रांच में या मैं देख लूँगा, मैं यहाँ का लोकल MLA बोल रहा हूँ या मैं MP बोल रहा हूँ और आप इनको छोड़ दो, मैं इनको जानता हूँ, मैं आपके डायरेक्टर को जानता हूँ, मैं SP को जानता हूँ। आप CBI में एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास कागज है और आप ऑन पेपर सही हो तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि आपको कोई भी काम करने से रोक दे। आप स्पष्ट बोल दीजिए कि मेरे पास कोर्ट का आदेश है और मैं इस आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप कोर्ट के थ्रू जाइए, बट राइट नाउ आई हैव द अरेस्ट वारंट, आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई एम टास्क्ड बाय द गवर्नमेंट टू डू। तो जनरली CBI में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई आपको ऐसा फोन करके बोलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता क्योंकि CBI का एक इस तरीके का नाम है कि CBI की रेपुटेशन इस तरीके की बनी हुई है कि जनरली CBI वाले ओनली जो पेपर पर लिखा है उसी की बात मानते हैं, बाकी फ़ोन पर कभी भी आप किसी भी धमकी से या किसी की बातचीत में आकर कभी भी ऐसा काम ना करें जो कि ऑन रिकॉर्ड के अगेंस्ट हो। तो सिर्फ फ़ोन पर बात करने का, बात न करने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि इट इज़ अ लिटिल बिट इनकन्वीनियंस, आपके लिए थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो जाती है, आपका काम थोड़ा डिले रहेगा, वो बात करेंगे, वो आप अननेसेसरी आप बात करेंगे, आपको बात फिर भी किसी की नहीं माननी है, बट दैट इज़ अ लिटिल इनकन्वीनियंस। तो बेहतर है कि आप फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दीजिए, आपकी जो प्रोसीजर है आप कार्रवाई कीजिए। और यहाँ पर एक मैं छोटा सा इंसिडेंट आपको बता दूँ कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि CBI इज़ वेरी प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, 95% लोग वहाँ पर बहुत एक्सट्रीमली प्रोफेशनल हैं, बट वहाँ पर कुछ कुछ लोग फिर भी उतना प्रोफेशनल नहीं है। जैसे कि जब मैं गया था वहाँ पर तो जो कॉन्स्टेबल्स थे उनका थोड़ा सा व्यवहार मेरे को नॉन अनप्रोफेशनल लगा। जैसे हम लोग वहाँ पर गए तो वो लोग वहाँ पर बोलने लगे,
वहाँ घर की जो लेडीज़ थी कि मैडम आप फटाफट हम लोगों के लिए चाय बनाइए, हम लोगों के लिए चाय बनाइए। तो जब मैंने सुना तो ये आई वॉज मोर्टिफाइड, मैं दंग रह गया कि मैंने कहा ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये बेशर्मी की हद है। और एक्चुअली दैट वॉज रिफ्लेक्टिंग बैड ऑन मी बिकॉज आई वॉज अ टीम लीडर, वो मेरे नाम से वारंट था, मैं ही वहाँ पर जो कंसर्न पर्सन थे उनसे बात कर रहा था और वो पूरी जिम्मेवारी मेरी थी। मेरा मन तो किया कि मैं उनको बोल दूँ कि भैया आप ऐसा मत करो यहाँ पर, बट मैंने वहाँ पर नहीं बोला क्योंकि मैंने अगेन वो लोग 55-56 साल के थे और मैं 22-23 साल का था, तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती अगर मैं वहाँ पर ऐसा बोलता। बाद में जब अपन उनके घर से आ गए तो फिर मैंने उनको बोला कि यार आपको कहीं चाय पीनी है, कुछ नाश्ता करना है, जो भी आपको चाहिए आप मेरे को बताओ, मैं आपको नाश्ता पानी करवाऊंगा, खाना खिलवाऊंगा, जो भी आपको करना है, और अपने खर्चे पर करवाऊंगा, बट आप कहीं दूसरी जगह पर जाकर ये चीज़ें मत बोलिए क्योंकि उससे मेरी भी रेपुटेशन डाउन होती है और डिपार्टमेंट की रेपुटेशन जो डाउन होती है वो अलग, ठीक है ना। तो बाद में मैंने उनको बढ़िया नाश्ता वगैरह भी करवाया, खाना वाना भी खिलवाया और उसका मेरे को वहाँ से रिइंबर्समेंट भी नहीं मिला क्योंकि एक तो अमाउंट बहुत कम थी तो मैंने अप्लाई नहीं किया, दूसरा अगर मैं अप्लाई करता भी तो भी CBI में मेरे को रिइंबर्समेंट नहीं मिलता बिकॉज ऐसा गवर्नमेंट में रूल है कि जब तक आप आउट ऑफ स्टेशन 12 घंटे से ज़्यादा नहीं है तब तक आपको ना आपको TA मिलेगा, ना आपको रेंट का किराया मिलेगा, ना आपको फूडिंग का किराया मिलेगा। तो ये तो रही उस चीज़ की बात। तो जब ये सारी प्रक्रिया होगी तो फिर मैंने एक पूरा अरेस्ट वारंट अरेस्ट मेमो बनाया। एक आपको एक अरेस्ट मेमो टाइप का बनाना पड़ता है, उसमें व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता है, ब्लड ग्रुप, कौन सी तारीख को हम पहुँचे, कितने बजे पहुँचे और हमें कौन कौन वहाँ पर मिला, हमारी टीम में कौन कौन मेंबर्स थे, ये सारी डिटेल आपको लिखनी पड़ती है और जो व्यक्ति हैं हमने उनको कैसे पहचाना, उनके बॉडी पर कोई पर्टिकुलर निशान था क्या, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें मेंशन करके फिर हमने उनको कहा कि आपके यहाँ कोई नज़दीकी आपके कोई परिवार वाले हों, कोई आपके भाई बंधु हों, कोई मित्र हों, आप उनको बुलवा लीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों, तो हमने कहा कि जब हम अरेस्ट करके ले जाते हैं तो कम से कम फैमिली के 2 मेंबर्स को हम बता के जाते हैं, पूरा उनको जिक्र करके जाते हैं, डिटेल दे के जाते हैं कि हम आपको कहाँ पर लेकर जा रहे हैं और वो लोग आपसे कहाँ मिल सकते हैं या उन लोगों को अब आगे अगर कोर्ट में जाना हो तो कौन सी कोर्ट में उनको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बगल से अपने कोई फ्रेंड से उनको बुलवाया तो फिर मैंने उनको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे पास CBI का अरेस्ट वारंट है, मैं इनको अरेस्ट करके ले जा रहा हूँ और मैं ये वाली कोर्ट में जाऊँगा इसके बाद और आप वहाँ कोर्ट से फिर बाद में अर्जी देकर इनको बेल पर छुड़वा सकते हैं। और हमने उनको अरेस्ट मेमो दे दिया पूरा, उसकी 2 कॉपी बनती है, उसकी एक्चुअली 3 या 4 कॉपी बनती है, एक हमारी ब्रांच के लिए, एक पर्सनल और 2 उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। तो एक अरेस्ट मेमो की कॉपी हमने उनकी वाइफ को दे दी और एक अरेस्ट मेमो की कॉपी हमने उनको फ्रेंड को दे दी। इसके बाद फिर एक कस्टमरी प्रोसीजर है कि या तो आप उनको हाथ से पकड़ के ले चलिए या फिर आप उनके हैंड्स में हैंडकफ बांध लीजिए। जनरली CBI में एक जस्टिस DK Basu की गाइडलाइंस थी अरेस्ट को लेकर, उनको फॉलो किया जाता है, तो हैंडकफ्स को जनरली अवॉइड किया जाता है। अगर सामने वाला बंदा आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं कर रहा है, कोई फिजिकल फोर्स नहीं लगा रहा है, तो आप हैंडकफ्स को अवॉइड कीजिए। तो उसके बाद फिर हम गाड़ी तक गए और गाड़ी में भी बैठने का एक ये प्रोसीजर है कि जो दूसरा वाला गेट है उस तरफ एक कॉन्स्टेबल बैठेगा, बीच में जो जिसको आपने अरेस्ट किया है वो बंदा बैठेगा और इस तरफ फिर गेट की तरफ एक कॉन्स्टेबल बैठेंगे। मैं आगे बैठा हुआ था तो फिर हम लोग फिर उसके बाद गए। और देखिए अब आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शुरू होती है, कहने का मतलब यह है कि जब आपने अरेस्ट मेमो उनके फैमिली वालों को दे दिया और आप व्यक्ति को ले आए तो वो व्यक्ति की जिम्मेवारी अब आपकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो व्यक्ति को आपको पूरा ध्यान रखना है, एक जैसे छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं उस तरीके से। वो अगर कुछ नहीं खा रहे हैं तो आपको उनसे विनती करके रिक्वेस्ट करके कुछ ना कुछ खिलाना है, आपको एवरी 48 आवर्स उनका मेडिकल चेकअप करवाना है। अगर आपकी जब तक वो आपकी कस्टडी में है तब तक अगर उनको या उनकी बॉडी को किसी भी तरीके की क्षति पहुँचती है तो उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। अगर उन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स पर या कहीं पर भी कोई खनोच मार लिया, कोई नस काट लिया, किसी भी तरीके से अपने आपको डैमेज कर लिया तो अगेन आपकी नौकरी तो जाएगी, आपको कोर्ट में भी आपके ऊपर मुकदमा चलेगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको जेल भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप अरेस्ट मेमो देकर व्यक्ति को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं तो जो फैमिली वाले हैं उनकी तरफ से ये हमेशा क्लेम रहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन को जो डैमेज किया है वो इन लोगों ने किया है जो यहाँ से अरेस्ट करके ले गए हैं, ये हमेशा उनका क्लेम रहेगा। और जब तक आप वो व्यक्ति को सही सलामत कोर्ट में डिपॉजिट नहीं कर देंगे तब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनी रहेगी। अच्छा, ये यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और मेंशन करने वाली है कि जब लोकल में आप अरेस्ट करने जाते हैं, मान लीजिए आपका हेडक्वार्टर दिल्ली है और आप वहीं 2-3 घंटे की दूरी में कहीं पर अरेस्ट करने गए हैं तो ठीक है आप गाड़ी ले जा सकते हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है किसी किसी ब्रांच में, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल क्राइम ब्रांच में, कि आपका पोस्टिंग आपकी दिल्ली है और आपका जो अक्यूज पर्सन है वो साउथ में है और आपको वहाँ से उनको अरेस्ट करके लाना है दिल्ली, तो ये बहुत ट्रबलसम और बहुत जिम्मेवारी वाला काम हो जाता है। जनरली लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहले तो जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट करके ला रहे हैं वो आप ट्रेन में उनको लाएंगे, जब ट्रेन में उनको लाएंगे तो आपको अपने साथ या तो हथकड़ी बांधकर उनको अपने साथ रखना पड़ेगा। अब वहाँ से यहाँ तक का सफ़र भी मान लीजिए 40 घंटे या 42 घंटे का है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु से, तो अब उस सफर के दौरान आपको उनके खाने का भी ध्यान रखना है, उनके पीने का भी ध्यान रखना है। अगर वो खाना पीना अवॉइड कर रहे हैं तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है, मिन्नतें करनी है कि भैया प्लीज़ खा लो। अगर न खाना न खाने की वजह से उनको प्रॉब्लम हो गई तो वो अगेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पर जब वो बाथरूम जाएंगे या फिर वहाँ फ्रेश होने जाएंगे तो आपको साथ में जाना पड़ेगा ट्रेन में भी,
यस ये होता है, आपको हो सकता है थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा हो, बट इट इज़ ट्रू। क्योंकि अगेन वही वाली बात, अगर ट्रेन के कंपार्टमेंट ट्रेन में फ्रेश होने वो गए और वहाँ पर अंदर वो मान लीजिए ही रिफ्यूज टू कम अप, वो बाहर आते ही नहीं, फिर उन्होंने मना कर दिया बाहर आने से, या फिर उन्होंने अपने बॉडी पार्ट को कोई नुकसान पहुँचा लिया, तो अगेन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। या वो ट्रेन से मान लीजिए कूद गए, आपने इधर उधर देख रहे थे, आप वो कूद गए, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी चीज़ में अब रात को अगर सोना है तो या तो आप उनके साथ एक ही बर्थ पर सोइए चैन लगाकर, या फिर आप उनको उनका हाथ हैंडकप से और एक सीट से बांधकर सोइए। इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ती हैं। और उसमें एक पॉइंट ये भी है कि एवरी 48 आवर्स आपको उनका मेडिकल भी करवाना पड़ता है, तो वो एक अलग से अपने आप में हेडेक रहता है। और जनरली जब आप एक व्यक्ति को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाते हैं अरेस्ट करके, तो आपको जज का अलग से परमिशन चाहिए। अगर जज परमिशन नहीं देगा तो आप नहीं ले जा सकते। और ये यही थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस रहते हैं इस जॉब में। और हालांकि यही चीज़ एडवेंचरस भी है, और जहाँ पर थोड़ा एडवेंचर है वहाँ पर थोड़ा रिस्क भी है, और लेकिन पूरा एक्सपीरियंस बहुत ये मज़ेदार रहता है। बाद में आप जब भी बैठेंगे कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये किस्से जरूर सुनाते हैं और मज़ा भी आता है। तो मैं अपनी बात करता हूँ, तो हम उन व्यक्ति को लेकर आए, और फिर हमने क्योंकि हमको समय हो गया था और नाश्ता वगैरह किसी ने नहीं किया था, तो हमने बीच में नाश्ता भी किया, उनको भी कंसर्न पर्सन को भी करवाया मैंने। उसके बाद फिर हम कोर्ट में पहले मेडिकल करवाया हमने, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया। मेडिकल में उनका पूरा जाँच हुआ कि उनका BP वगैरह सब नॉर्मल है, उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब चीज़ें जो आपके बॉडीली क्लॉक के जो फंक्शंस रहते हैं दैट आर नॉर्मल, वो सब वहाँ एक बार आपके रिकॉर्ड में आ गया। उसके बाद फिर आप कोर्ट जाइए और कोर्ट में उनको डिपॉजिट कर दीजिए। उसके बाद जो जज हैं वो उस व्यक्ति को जो आपकी लोकल जेल है वहाँ पर भेज देते हैं, और बाद में जो फैमिली मेम्बर्स हैं अगर वो चाहें तो वो बेल करवाने के लिए आपकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और आप जब ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आप जब ब्रांच में आएंगे तो ये एक अच्छा बड़ा काम माना जाता है, काफ़ी प्रशंसनीय और काबिल तारीफ काम माना जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और आप चाहें तो आप किसी DSP से रिक्वेस्ट करके अपने लिए एक रिवॉर्ड का भी रिकमेंडेशन करवा सकते हैं। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आपको जनरली 1000 या 1500 रुपीज़ का एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी दिया जाता है मार्च के महीने में। एक दो छोटी मोटी चीज़ें और मैं जानकारी के लिए बता दूं, CBI के कई केसेस में कई लोग बहुत सालों से फरार हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कोर्ट ने उनको भगोड़ा साबित कर दिया, भगोड़ा उनको डिक्लेयर कर दिया है, वो 8 से 10 साल 15 साल 20 सालों से वो बाहर हैं, वो भागे हुए हैं, उनका किसी को पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को जब कोई CBI के पर्सन पकड़ लेते हैं या अरेस्ट कर लेते हैं तो उनको बहुत ह्यूज रिवॉर्ड मिलता है। मेरे ज्वाइन करने से पहले एक ऑफिसर थे, उन्होंने फेसबुक से गूगल से और कुछ से और बाकी सब इंटरनेट पर वेबसाइट्स हैं उनकी हेल्प से एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को उन्होंने ट्रेस किया था और अरेस्ट भी किया था, तो उनको बहुत ह्यूज रिवॉर्ड मिला था। 25,000 रुपीज़ उनको अवार्ड मिला था, जो उनके साथ सब इंस्पेक्टर थे उनको 15,000 मिला था, और उनके साथ जो कॉन्स्टेबल्स थे उनको 7,000 रुपये मिले थे। तो ये जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत प्रशंसनीय काम करते हैं, तो डेफिनेटली CBI में आपको अवार्ड भी मिलता है, और ये काफ़ी अपने आप में एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहता है। मैंने वो एक्सपीरियंस किया, वो दैट वॉज वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, और आई एम स्टिल प्राउड ऑफ दैट एक्सपीरियंस, और मैं आज भी वो मोमेंट सोचता हूँ तो आई गेट थ्रिल्ड टू माई कोर। चलो दोस्तों, आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया अपना एक्सपीरियंस सुनाकर। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट्स हो, तो आप मैंने एक पिंड कमेंट में एक FAQs का मैं लिंक दे रहा हूँ, आप पहले वो FAQs में मैंने करीब 40 या 50 क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, आप वो पढ़ लीजिए। अगर आपका आंसर उनमें से किसी में नहीं है तो फिर आप नीचे कमेंट में अपना क्वेरीज पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आई एम अनेबल टू आंसर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। थैंक यू, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।